हमें कभी कभी क्रेविंग्स होती है अलग अलग तरीके की। कभी चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, कभी नमक वाली चीज। तो हमें ये क्रेविंग्स क्या इंडिकेट कर रही है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट इज चॉकलेट क्रेविंग, इट इज स्पेशली फॉर द वुमेन्स। चॉकलेट गिव कामनेस, और चॉकलेट क्रेविंग एक्चुअली ये इंडिकेट कर सकता है कि आपके पीरियड्स नजदीक है और आपको जल्दी ही आने वाले। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बहुत सारा शुगर खा लें। आपको एक छोटा सा पीस चॉकलेट का खाना है, वो भी मोस्टली डार्क चॉकलेट का खाइए, तो उसकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और आपका इंडिकेशन आपको समझ में आएगा। सेकंड है कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग, लाइक ब्रेड एंड पास्ता। नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग है, ये सेरोटोनिन हार्मोन से जुड़ी गई है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है। तो आपको अपने आप से ये जानना है कि हम इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं हम या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि आपका इमोशनल स्टेट क्या है। तो आपको करने के चाहिए इस कंडीशन में कि 20 से 30 मिनट की अच्छी सी वॉक लें, बाहर नेचर में जाइए, थोड़ा सा आपका माइंड काम होगा और आपकी जो क्रेविंग है वो भी खत्म हो जाएगी। थर्ड इज सॉल्ट क्रेविंग। सॉल्ट क्रेविंग नॉर्मली तब होती है जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो। तो इसके लिए आप बेस्ट कर सकते हैं कि कोकोनट वाटर पीजिए। अगर कोकोनट वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए नींबू पानी भी पी सकते हैं। फोर्थ इज चीज की क्रेविंग। अब चीज की क्रेविंग का मतलब है आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, आपकी बॉडी को कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए। क्योंकि जितने भी चीज की वैरायटी है उन सब के अंदर एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, जो कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन फॉर्मेशन में मदद करता है। अब सेरोटोनिन तो हमने देखा कि फील गुड हार्मोन है, और दूसरा जो मेलाटोनिन है वो एक स्लीपी हार्मोन। तो अगर आप कोई चीज की वैरायटी खाएंगे तो आपकी बॉडी को ये बता रही है कि आपको रिलैक्स करना है और आपकी बॉडी को थोड़ा आराम चाहिए।